फिल्म की एक शुरुआत ऐसी की है मैंने कि एक बच्ची की कहानी है जो कचरे से मिलती है और उसको हमने एक समाज के लिए एक आईपीएस ऑफिसर बना दिया। एक कचरा चुनने वाली को हमने पढ़ा लिखा करके एक ऑफिसर बनाया, वो भी आईपीएस ऑफिसर बनाया था। तो ये समाज के लिए एक सामाजिक फिल्म है और कोशिश की है कुछ करने के लिए। आज जो गाना रिकॉर्ड हुआ उसके बारे में बताएं। गाना हमारे कंपोजर रफीक राजा जी ने किया है और हमारे डॉक्टर जी ने उसको गाया हुआ है। बहुत अच्छा गाना हुआ है और मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा म्यूजिक दिया है राजा साहब ने। हमारे आरिफ साहब बहुत अच्छे, अब क्या बोलें उनके बारे में, तो दुनिया जानती है, बोलने की ज़रूरत नहीं है जी। ऐसा है कि सलीम भाई हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, बड़े नेक इंसान हैं और बड़े दिन के बाद उनको ये मौका मिला है कि आप चौका मार दें। ये है मिली फिल्म से। और सबसे अच्छी बात यह है, ये फिल्म का थॉट जब मैंने स्टोरी सुना तो मुझे लगा कि ये फिल्म एक शिक्षा को बढ़ावा देती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो बोलते हैं ना, ये लोग तो सिर्फ बोलते हैं, करता कोई नहीं है। तो आपका थॉट ये है कि कचरा कूड़ा चुनने वाली लड़की, अगर उसको भी शिक्षा का ज्ञान दिया जाए या उसको सारी सहूलत या फैसिलिटी मिली तो वो भी एक आईपीएस ऑफिसर बन सकती है। तो शिक्षा का इतना बड़ा योगदान है। अब ये इतना बड़ा मैसेजफुल सब्जेक्ट है कि ये जिस दिन स्क्रीन पर आ जाएगा और इसको सही ट्रीटमेंट मिल गया तो ये समझ लो कि एक अवार्डेड फिल्म है। और मैं समझता हूँ कि ये फिल्म झंडे गाड़ देंगी अगर ये तरीके से बन जाए तो। ये है मिली जो मूवी है, इसका सब्जेक्ट बहुत दिल को छू गया, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैंने इसका टाइटल सॉन्ग गाया है। इस मूवी का मुहूर्त हमने ये गाने से किया है, इससे मैं बहुत खुश भी हूँ और मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी सनीम जी का भी, रफीक राजा जी का भी, और इन्होंने बहुत अच्छा संगीत दिया है। नफीज आलम ही, इन्होंने बहुत अच्छे लिरिक्स भी लिखे हैं। और मैं हूँ डॉक्टर माधुरी कश्यप और मैं खास ये गाना रिकॉर्ड करने के लिए यहीं पर आज आई हूँ कि ये टाइटल सॉन्ग है हमारे मूवी का और ये पूरे मूवी में आपको सुना देगा। थैंक यू सो मच। आपकी सवाल मनीष जी से, कितना ज़रूरी होता है इस तरह के विषय पर फिल्म बनाना? भाई ज़रूरी तो बनाने वाले, तो देखिए अभी मधु भंडारकर ने एक फिल्म बनाई थी किसके ऊपर, वो बेचारे भीख मांगने के ऊपर, तो उन्होंने जब ये बना दी तो हम ये भी बना सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है। सर आप अभी की आप कैसा मिली थे इस तरह के गाने? इस फिल्म में हमारे टोटल 5 गाने हैं और 3 गाने रोमांटिक गाने हैं। एक टाइटल सॉन्ग रिकॉर्ड किया है, उसके बाद हम एक आइटम सॉन्ग करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत ही प्यारा म्यूजिक रहेगा। आज हमारा सबसे पहले गाना टाइटल सॉन्ग रिकॉर्ड हुआ है जिसको डॉक्टर माधुरी कश्यप जी ने गाया है। राइटर हमारे नफीस आलम साहब है और इस फिल्म में और लोग भी जुड़े हैं, जैसे हमारे आरिफ भाई है या हमारे बड़े भाई है, या आ गए, पूरी महफिल सज गई है हमें। और ये कोशिश ये है कि बड़ा अच्छा म्यूज़िक बनेगा इसका और अच्छी फिल्म बनेगी, यही कोशिश हम लोग। मैं नफीस आलम और मेरा सौभाग्य है कि मैं इस फिल्म से जुड़ा हूँ। बहुत ही खूबसूरत कहानी है, सामाजिक मैसेज है और ऐसी कहानियाँ बहुत कम बनती हैं जिनमें इतनी मीनिंगफुल बात कही गई हो समाज के लिए। तो मेरी गुड विशेज और बहुत बहुत शुभकामनाएं सलीम मलिक साहब के लिए और तमाम यूनिट के लिए, इस प्रोडक्शन के लिए। अच्छी फिल्म बनेगी और इसकी म्यूज़िक बहुत अच्छी हो रही है। आज पहला गाना मुहूर्त हुआ है गाने के साथ, रफीक राजा साहब ने गाया है और माधुरी जी ने कंपोज रफीक साहब ने किया है और माधुरी जी ने बहुत अच्छा गाया है। तो मुझे उम्मीद है कि इस फिल्म की कहानी के साथ में म्यूज़िक भी बहुत पायदार होगी, अच्छी होगी और फिल्म जो होगी ये एक यादगार फिल्म बनेगी। माई गुड विशेज टू एवरीवन कंसर्न विद दिस प्रोजेक्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक बात बोलना चाहता हूँ अगर आपकी इजाज़त हो तो। बोलिए। कि इस फिल्म का नाम है ये है मिली, तो आपको पता है कि जैसे कामयाबी मिलती है इंसान को, तो ये है मिली नहीं बल्कि ये 30 साल बाद मिली। इसके पीछे इनका स्ट्रगल है। तो ये स्ट्रगल के साथ जब बड़ी शिद्दत के बाद कोई चीज़ मिलती है
तो वो बड़ी खूबसूरत और बड़ी अच्छी बनती है, बड़ी सक्सेस बनती है। तो मैं चाहूँगा ये है मिली आपको 30 साल के बाद मिली तो ये ऐसी मिली कि आपको सक्सेस देकर जाएंगी और मिलती ही जाएंगी। मिलती जाएंगी। मैं बॉलीवुड सिंगर दुर्गा सिंह और इस मूवी के लिए मैं हिंदी सॉन्ग गा रही हूँ। डुएट सॉन्ग है, दो सॉन्ग दिया इन्होंने। बहुत अच्छी मूवी है और बहुत अच्छा रोमांटिक सॉन्ग है। आप अपना नाम बताइए सर। हाँ, मैं नज़ीर सैयद, मैं को प्रोड्यूसर भी हूँ, प्रोडक्शन हेड भी हूँ। और फिल्म की कहानी मतलब कुछ इस तरह अच्छी लगी मुझे, तो मुझे ऐसा लगा कि जुड़ना चाहिए और अच्छे से बनाना चाहिए। और सलीम भाई का मेहनत भी बहुत है इसमें, वो हिसाब से हम जुड़े हुए हिसाब। सलीम जी, क्या प्लानिंग है तब तक? देखिए, अभी हम लोग जो है ना, अभी पहले हम लोग स्टोरी पर बैठेंगे। क्या होता है कि कंटेंट फिल्म का होना बहुत अच्छा होना चाहिए, तो हम लोग पहले स्टोरी पे बैठेंगे। स्टोरी कब तक तैयार होगी तो मालिक ने चाहा, हम लोग एक साथ इस फिल्म को करीब अक्टूबर नवंबर तक के हम लोग नए साल से पहले पहले प्लान है, कोशिश है कि आप लोग को ये देखने को। शूटिंग हमारा देखिए कई जगह सोच के रखी है। जब से ये मैंने मार्केट में हवा फैलाई है, तब से काफ़ी लोगों ने मुझे, किसी ने मुझे भोपाल के लिए बोला है, किसी ने मुझे बीकानेर के लिए बोला है, किसी ने मुझे बोला है नासिक में कर लो, किसी ने बोला है पुणे में कर लो, किसी ने बोला है क्या नाम उसका दुबई चले आओ। अब बोलने के लिए तो सब बोल देते हैं, लेकिन बेसिकली इसको काम करने के लिए हमारा जैसा कॉन्सेप्ट होगा वैसा हम काम करेंगे। फारूक अली है और मैं कोटा राजस्थान का रहने वाला हूँ। और ये जो सलीम साहब है हमारे, जो काफ़ी पुराने दोस्त हैं, काफ़ी मैं स्ट्रगल कर चुका हूँ, काफ़ी सीरियल किए हैं लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन सलीम साहब की ये है शुक्रिया इनका कि इन्होंने मुझे मेन विलन इसमें इंट्रोड्यूस किया है। मैं नाम श्रेया देवी और इस फिल्म में एक कैरेक्टर कर रही हूँ मैं, और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस फिल्म के लिए। ज़्यादा कुछ बताऊँगी नहीं क्योंकि मैं चाहती हूँ सब देख के जाके थिएटर में। नमस्कार, मेरा नाम सना अली खान है और मैं सलीम सर से मिली और ये फिल्म है, ये है मिली, उसके थ्रू मिली। और मुझे काफ़ी खुशी है कि इन्होंने मुझ पर भरोसा किया और बस ये क्या करवाने वाले हैं वो इनके ऊपर है, काफ़ी अल्लाह मालिक है। और एक चीज़ ये कहना चाहूँगी कि ये जो फिल्म है बहुत अच्छी है और बहुत सक्सेस होगी। मेरे अकॉर्डिंग जो मूवी का टाइटल है वो अपने आप में एक बहुत अच्छा टाइटल है, एंड जिस टाइटल के ऊपर ये मूवी बनाई जा रही है वो अगर आप देखोगे तो आपको खुद बहुत मूवी इंस्पायर करेगी। एंड मूवी में तीन लड़कियां लीड में हैं तो उनमें से एक मैं भी हूँ। मूवी आपको देखनी पड़ेगी कि मैं उसमें क्या कैरेक्टर परफॉर्म कर रही हूँ, क्या वेरिएशंस रहेंगे, बट मेरे लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है एंड मैं चाहती हूँ कि आप सब प्रोजेक्ट देखें। बाकी निर्माता जो निर्देशक है सलीम मलिक जी, उनके बारे में बताएं क्या कैसा रहा? सर से मैं सेकेंड टाइम मिल रही हूँ एंड लिटरली सर का नेचर बहुत अच्छा है एंड आई एम वेरी लकी कि मुझे ये मिले हैं एंड इतना अच्छा प्रोजेक्ट दे रहे हैं। अगर लाइफ में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उन्हें ग्रैब कर लेना चाहिए, और ये मेरी लाइफ में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है कि इतने अच्छे रूप में एक इंसान आए हैं और मुझे एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट दे रहे हैं एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू सर। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं मलिक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू कि सलीम मलिक साहब ने हमें ये मौका अता फरमाया। और ये कहानी जो है ना, समाज के लिए जो है ना एक मैसेज होगी कि समाज में एजुकेशन से बढ़कर कुछ नहीं है, और सद्भावना एक ऐसा मूल मंत्र है जो इस दुनिया को राख होने से बचा सकती है। और उस मैसेज को मैं इस फिल्म के ज़रिए बताना चाहूँगा। और एजुकेशन से बढ़कर कुछ चीज़ नहीं है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी हो। बड़ा हो तो बड़ा रहना है उसे तो भी एजुकेशन चाहिए, छोटा है उसे अगर बड़ा बनना है तो उसके लिए भी एजुकेशन चाहिए। तो एजुकेशन इज मस्ट नेसेसरी, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग एवरीबॉडी टू एजुकेशन को सब लोग अडॉप्ट कीजिए जितना कर सकते हैं। और जहाँ भी दिखे कि कोई बेचारा अनाथ है, आप उसे गोद मत लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा हेल्प उसे ज़रूर कर दीजिए ताकि खुदा न खास्ते कहीं हमारे साथ ऐसा ना घटना घटे, यही कहना चाहूँगा। थैंक यू। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैं फिल्म एक्टर कुमार चेतन राय, दो तीन फिल्में किया है, अभी टी सीरीज का एक मैंने सॉन्ग किया, दो सॉन्ग किया जिसमें सिंगर उदित नारायण सर है। और इस स्टोरी के बारे में बात करूँगा
ये स्टोरी हमारे राइटर साहब स्पेशली वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट सिटी बनारस में जाके उन्होंने ये लिखा। बनारस के नाम पे कोई भी चीज़ जुड़ती है तो बहुत क्रिएटिव, बहुत यूनिक होती है और वर्ल्ड वाइड उसका अप्रिसिएशन होता है। सो मैं आप सबको कहूँगा कि आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है एज ए ऑडियंस। सलीम मलिक जी ने जो ये विषय लेके आए हैं ये है मिली। एक्चुअली आज के दौर में रियल स्टोरीज़ है नहीं और इंस्पायरिंग स्टोरीज़ की बहुत कमी है कि एक जिन्होंने जो स्ट्रगल दिखाया है एक लड़की का, और गाना इतना टची है, जो गाना मैंने सुना आज इतना टची है, दिल को छू जाता है। तो ये मेरे ख्याल से ये वाकई में एक शिक्षा देने वाली फिल्म है, उन लोगों के लिए एक मोटिवेशन फिल्म है जिसको ऑस्कर में भी जाना चाहिए अगर सही तरीके से लोग इसको समझे तो। जी मैं लक्ष्मी दास ली हूँ, ओरिजिनल नेम जो लक्ष्मी है और निक नेम ली हो गया, और मैं डांसिंग में हूँ। बेसिकली मैं कोरियोग्राफर हूँ, मैंने काफ़ी सारे वेब सीरीज किया है, जैसे बेटी में आया हुआ है नचनिया करके, मिर्ज़ापुर की हीरोइन हूँ इसमें अमिका शोएल, और बाकी मैंने बहुत सारे सॉन्ग्स किया है, म्यूज़िक वीडियोज, और बाकी बाहर के भी शोज किया है, इंटरनेशनल भी मेरे इवेंट्स चलते हैं। बस यही मैं और सडनली सर लोगों से मुलाकात हुई और बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग बन गया इनके साथ, और सबसे ज़्यादा मैं थैंक यू मोती सर को कहना चाहूँगी क्योंकि इनकी वजह से मैं इनसे मिली, बाकी और भी सर लोग हैं काफ़ी इनसे मिली, हमसे मिली, सबसे मिली, नाम भी मिली, और जिनका नाम भी ये है मिली, अब ये भी है मिली, और ये है मिली, और मैं भी हूँ। गाने बताइए। गाने तो लगभग 150 आ चुके हैं मार्केट के अंदर और काफ़ी सेलिब्रिटी लोगों ने गाए भी हैं, और आप लोग शुरू से जुड़े हैं मेरे साथ में, और इस फिल्म के अंदर सलीम साहब ने मौका दिया है। पिछले एक हाजी अली बाबा के दरगाह पर बहुत ही अच्छे शाने शौकत में उनके लिए कवाली आ रही है, रोमांटिक सॉन्ग भी है इसमें, और कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है, और हम तो दुआ करेंगे कि सलीम साहब जल्दी से इस प्रोजेक्ट को लेकर ऑन फ्लोर जाएँ। मेरा नाम मुस्कान है और मैंने काफ़ी वेब सीरीज़ किए हैं, जैसे क्राइम पेट्रो, क्राइम वर्ल्ड, और पेट्रोल में भी किया है मैंने, मतलब काफ़ी चीज़ें की हैं। अभी जस्ट जो मैंने दो एल्बम किए हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, अब देखते हैं जो स्टार्ट होने वाला है कितना अच्छा है, और काफ़ी सर से मिलने को मिला, और भी सर से मिलने को मिला है, और मैम से भी। थैंक यू। और नई एक पारी की शुरुआत कर रहे हैं, तो मेरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं, और हमें याद किया गया था, मुझे अच्छा लगा, मैं भी सबके इंटरव्यू सुनता रहा, सबने कहानी के बारे में बताया, बहुत अच्छी कहानी है। बस यह है कि टाइम पे बन के रिलीज़ हो जाए, ये हमारी दुआएं इनके साथ हैं, और हमेशा कभी भी अगर इनको मेरी ज़रूरत पड़ी कुछ तो मैं इनके साथ खड़ा रहूँगा, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, और हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर रफीक साहब तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन गाना उन्होंने बहुत अच्छा किया, गाना हमने सुना हुआ है, बस हमारी शुभकामनाएँ हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू बॉस, थैंक यू।